अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इजी ग्लिटरी आईज। जो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने नीचे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी अपना फेस जो है वो प्राइम भी कर लिया, फाउंडेशन भी लगा लिया है, कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन भी लगा लिया हुआ मैंने। अब मैं एक कंसीलर ले रही हूँ और उसकी मदद से जो है मैं अपनी पूरी मतलब आईलेट पर लगा रही हूँ और अच्छे से मैंने लगा लेना है। ये एक अच्छी बेस देगा। ये बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है, कोई भी इसे कर सकता है, बस आपने इसी तरह स्टेप्स फॉलो करने हैं। थोड़ा सा मैं स्पॉन्ज के साथ अब्सॉर्ब किया है। ये मैस्कुरेट पैलेट है जूवियाज की और इसमें से मैंने ये मीडियम ब्राउन टोन आई शेडो लिया है और इसको मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज में लगा रही हूँ। आपने इसी तरह मूवमेंट्स को फॉलो करना है और लगाते जाना है, ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। ये एक ट्रांजिशन शेड होगा क्योंकि हम सिर्फ दो शेड्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा शेड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, इसी शेड को ज़्यादा लिया है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा शेड लेते जाएँ और ब्लेंड करते जाएँ अच्छे से, एकदम से सारा शेड नहीं लगा लेना वरना ब्लेंडिंग नहीं होगी आपसे। और आपने इसी तरह से ब्लेंडिंग करते जाना है और थोड़ा सा जो है मैं कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ और अंडर द आई, लाइक थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर है अंडर द आई वहाँ पे लगा रही हूँ और इसको बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, जिससे मेरी आँख थोड़ी सी उठी भी लगेगी और ब्लेंडेड लगेगी, एक लिफ्टेड लुक लगेगी। अब मैं ये मसरत मिसबा की सनसेट पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये शिमरी डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये मैंने पूरी आईलेट पे लगा देना, बस जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ दो आई शेडोज और एक शिमरी लिक्विड आई शेडो से हम जो है ये मेकअप कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें। और इसको मैंने थोड़ा सा विंग आउट किया है, विंग की शेप बाहर निकाली है और इसी तरह थोड़ा सा जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना करें और फिर फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से जो है इसको आई शेडो को ब्लेंड करते जाएं। जो आपने पहले ट्रांजिशन शेड लगाया था उसके साथ आपने इसको ब्लेंड करते जाना है, अच्छे से ब्लेंड कर लें नीचे से ऊपर से और बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा एलोंगेट करें। अब मैं ले रही हूँ स्टेला की यहाँ शिमरी लिक्विड, इसमें से मैंने जो लिया है आई शेडो वो लिया है शैम्पेन गोल्ड सा है, शैम्पेन कॉपर सा शेड है ये, और ये मैं जस्ट सेंटर में लगा रही हूँ, ठीक है। मैंने पूरी आँख पे नहीं लगाया, पूरी लिड पे नहीं लगाया और एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से साइड्स को जो है ब्लेंड करूँगी आई शेडो के साथ ताकि वो बिल्कुल एक अलग सी लाइन खिंची हुई नज़र ना आए और अच्छे से इसको ब्लेंड करते हुए बाहर निकाल देना। अब आप देखें कितनी वेट लुक आ रही है और एकदम यू नो स्मूथ करना है आपने इसको। अगर आप चाहें थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए तो आप कॉर्नर्स पे जो है थोड़ा सा डार्क आई शेडो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल रखना है तो इसलिए सिर्फ आप इतना भी रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं ये एक लोकल सा आईलाइनर है, 30 आवर्स इसके ऊपर लिखा हुआ था और आई एम श्योर होगा भी आप लोगों के पास, और अगर नहीं भी है तो ईज़िली लोकली अवेलेबल है ये इस तरह का। और ये बड़ा अच्छा जो है आईलाइनर है, मार्कर आईलाइनर, अगर आपने जल्दी यू नो क्विक करना है मेकअप तो बड़ा अच्छा है और ईज़िली अप्लाई हो जाता है और है भी डार्क। मैं यहाँ थोड़ा सा विंग्ड लाइनर लगा रही हूँ, थोड़ा सा एलोंगेट करके, बहुत ज़्यादा थिक विंग नहीं बनाया मैंने, पतला सा बारीक सा बनाया है जस्ट आई को शेप अप करने के लिए। और अब मैंने यहाँ मसरत मिसबा का जो है ड्रामा लैश मस्कारा लगाया है, मस्कारा इस तरह से लगा लेना है और फिर मैं कॉस्मी की आई लैशेस ले रही हूँ और मैंने आई लैशेस लगा ली हैं। डार्क आई शेडो वही डार्क ब्राउन आई शेडो जो मैंने पहले लगाया था वही मैं थोड़ा सा अंडर द आई लगा रही हूँ ताकि यू नो थोड़ा सा और डिफाइंड लुक आए और इसको ब्लेंड कर लेना है। अब एक डार्क ग्रीन पेंसिल ले रही हूँ, यहाँ मैंने निकाके की पेंसिल ली है और ये सिर्फ मैं आउटर एज पे लगाया है वाटर लाइन के, ठीक है, आउटर कॉर्नर पे। अब सेंटर में मैं लगा रही हूँ, ये एले गर्ल की है पेंसिल, नियॉन पेंसिल है नियॉन ग्रीन में, और ये मैं लगा रही हूँ सेंटर में ताकि आँख मज़ीद पॉपअप लगे। अर्बन डिके का हाफ बेक्ड आई शेडो है जो मैं अंडर द आईब्रो लगा रही हूँ और मैंने इनर कॉर्नर में भी लगाया है लिफ्ट करने के लिए, एक हाईलाइटेड सी लुक देने के लिए। और अब मैं दूसरी आँख पे भी कर लूँगी फटाफट से, ये हो गई। और ये देखें जी, आई लुक कम्प्लीट विद लेंस एंड एवरी थिंग।
आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। बड़ी ही सिंपल सी है, कोई भी कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं फॉलो किए गए, कुछ इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया गया, जस्ट टू आई शेडोज और यू नो एक लिक्विड आई शेडो के साथ जो है आप आराम से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, इस चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे हार्ट्स आपने वहाँ छोड़ने हैं, मैं कोशिश करूँगी वहाँ एक मिनी ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ। और क्या, अगर कोई और रिक्वेस्ट है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।